हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्राम की है। यहां पर अगर आप रैंडम को इंपोर्ट कराना चाहते हैं, देखिएगा ये पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है वो नहीं है, बल्कि मैं पाइचार्म को यूज कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आपको रैंडम को इंपोर्ट करा करके उसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, तो चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है इंपोर्ट, कुछ इस तरीके से इंपोर्ट लिखिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा रैंडम, कुछ इस तरीके से रैंडम लिख दीजिएगा। जैसे ही आप रैंडम लिखते हैं तो ये देखिए रैंडम जो फंक्शन है वो इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट कराने का यही तरीका है, यही वे है। अब ये इंपोर्ट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक रैंडम नंबर को लेके आना है, ठीक है। तो रैंडम नंबर को कैसे लेके आएंगे, तो यहां पर एंटर करके नीचे आ जाते हैं। रैंडम को हम इंपोर्ट करा चुके हैं, अब यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट, ठीक है। प्रिंट लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, ओके। अब क्या करना है, यहां पर रैंडम फंक्शन लिखना है। तो रैंडम डॉट, अब यहां पर लगा रहा हूं रैंड रेंज। अब रैंड रेंज क्यों लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं कि हम दो नंबर्स चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला नंबर 1 चूज कर लिया, दूसरा नंबर 90 चूज कर लिया, तो इसी के बीच के जो नंबर होंगे वो प्रिंट होकर के आएंगे रैंडमली, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को एक बार चलाते हैं तो यहां पे देख सकते हैं 62 प्रिंट हो रहा है। एक बार फिर से इसको रन करा देता हूं तो इस बार देखिए 58 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर रन कराता हूं तो 63, फिर रन कराया तो यहां पर देख सकते हैं 72 भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रैंडम को इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है।